हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे विश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पता है इस टाइम एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? आई गेस इंडिया। जारी बात है, इस वक्त जो वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वो इंडिया है। आपको पता है कि आज किस इंसान की हैप्पी बर्थडे? जी पता है। किसकी? नरेंद्र मोदी। विश करोगे? हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो कोई मंगाओ जी, ऐसे ही बुड्ढे होते रहोगे, केक शेक है तो कोई मंगाओ जी। अच्छा जी, आज मोदी जी की सालगिरह है और हम मोदी जी को उनकी जो सालगिरह उन पे ढेरों खुशियों का इजहार करते हैं। बड़ा बड़ा उनको जन्मदिन मुबारक हो और हम उनके जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और उनके लिए एक गाना डेडिकेट करते हैं कि जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सब ने शोर मचाया है, कौन आया मोदी की सालगिरह आई है, मोदी की सालगिरह आई है। तो यार उन्हें खुद की सालगिरह पे खुशी नहीं हुई इतनी आपको हो रही है? यार ये उनके साथ प्यार है हमारा, वैसे प्यार तो नहीं है, वैसे ही प्यार है उनके साथ हमें, क्योंकि वो भी हमारे हमसाया मुलक है, वो चाहे वो हमसे प्यार करे ना करे, हम नफरत ना फैलाओ यार। हाँ यही बात है कि अगर आप हमें प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम नफरत की निगाह से बिना देखे हमें खुश रहे। आप अपनी मस्ती में आप अपने केक काटो और हम भी आपके केक काटेंगे, बस यही होगा। आपको पता कि एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? मेरे ख्याल से चाइना था, लेकिन अब शायद इंडिया जा रहा है। जी तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंटिन्यूसली दो दफ़ा उसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी। उनकी आज सालगिरह है, कोई बेस्ट विशेस कोई विश करना चाहें? विश उनको हैप्पी बर्थडे, और मुझे तो वैसे केक ला के इधर काटना चाहिए और सबको खिलाना चाहिए, क्योंकि खास खुशी है उनसे मिली है अभी तक। जाहिर सी बात है, वो देखे ना कि अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया है, तो अच्छी बात है। और वैसे है तो वो पीछे से चाय भेजने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुल्क एक दफ़ा अपना जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। हाँ जी, एक दफ़ा ना उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। तो उस मुल्क को तरक्की पे पहुंचाने में एक अहम शख्स का किरदार अदा, एक शख्स ने अहम किरदार अदा किया अपना, उस शख्स की आज 72 सालगिरह है। उनके बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, लव यू मोर। आपको पहले से पता? मुझे पता था, मैं विश करने लगा था, आपने पहले बोल दिया। किस तरह विश करेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू। ये दिल से किया? दिल से किया, दिल से, लव यू सो मच। अच्छा, आप मोदी का लव सुनते ही आपके जहन में क्या नाम, क्या चीज़ आती है? यार मैं यही कहूँगा, जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर के लेवल पे कोई क्रिकेट में नहीं ना आ सकता, ऐसे पॉलिटिकल में भी मोदी जी के लेवल पे कोई नहीं आ सकता। यार उसका ये काम अच्छा लगा कि सबसे गंदा था वो, मतलब कि ना उसका जो मुल्क था वहाँ पे बेहिजाई, कोई रूल्स नहीं थे, कोई उसने आके अपना रूल्स बनाए हैं, क्योंकि जो 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 मुल्क रूल्स पे नहीं ना चल सकता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज वो बड़े ऊपर लेवल पे उन पर बिजनेस हो रहे हैं वहाँ पे अपनी उनकी काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनियाँ जो दूसरे मुल्कों में अपना मतलब प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, ये सब मोदी की वजह से ही है। तो मोदी जी के लिए मेरा दिल आपके लिए है, तो मेरा सब कुछ आपके लिए है, ये मैं आपके गिफ्ट दूँगा। मैं पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तानी अगर अपने हाथ पे देखूं तो बड़े मुसलमानों का, बड़े कश्मीरियों पर जुल्म किया मोदी ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारा दुश्मन है, हम दुश्मन को भी हैप्पी बर्थडे कहते हैं। मोदी तुझे हैप्पी बर्थडे यार, जिंदा रहे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जो मोदी है उसकी आवाम जो है वो मोदी से खुश है, कंटिन्यूसली दो बार प्राइम मिनिस्टर बन गए? मैं ना अगर सीरीज देखूँ ना, ऑन सीरीज नोट देखूँ, तो 70+ जो है ना परसेंट जो इंडियन है उसमें, इंडियन जो इंडिया के अंदर रहते हैं और जो आउट ऑफ इंडियन है वो तो मेरे ख्याल में 100% खुश हैं मोदी से। उसने ऐसा काम किया है अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए। मोदी के एक दाग है वो, जो उसने अहमदाबाद में मुसलमानों पे, गुजरात पे जुल्म किया था, वो दाग रहेगा सारी ज़िंदगी, लेकिन उसने अपनी कौम के लिए अगर देखा जाए ना तो हिंदुओं के लिए, पूरे इंडिया के लिए उन्होंने जो काम किए हैं ना, मेरे ख्याल में अगली दफ़ा भी अगर देखा जाए ना ऑन सीरियस नोट देखा जाए तो गवर्नमेंट उसकी ही है। हाँ अच्छा, वो इतना स्टेबल है कि दुनिया में बाहर से भी लोग जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट भी करते हैं, और अगर मोदी की सालगिरह आई है तो लोगों ने विश भी किया, बाहर के जो लोग हैं उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए बाहर के, उन्होंने विश किया, क्या वजह है, क्या वो इस काबिल है? देखो ना, वो एक मजबूत असाब का बंदा है और वो नीचे से उठ के ऊपर आया मोदी का सारे, खुद भी ऊपर आया और नीचे से मुल्क भी ऊपर लाया। वो जब एक बंदा जिसकी जड़ों में होता है ना, जैसे पाकिस्तान में एग्जांपल दी जाती है, इमरान खान एक मिडिल क्लास तबके से आम लोगों में से उठ के ऊपर आया, कैप्टन बना टीम का, वर्ल्ड कप जितवाया, उसके बाद पार्टी बनाई और
आज वो कंट्री को लीड कर रहा है, सबसे ज़्यादा लोग उसके साथ खड़े हैं। इसी तरह वो बेशक उसके साथ आरएसएस एक मजबूत जो इंडिया की जमात है, एक उनकी तंजीम है, वो उसका साथ है उसके साथ मोदी के साथ, लेकिन उसकी जो आइडियालॉजी है ना वो अपने मुल्क को एशियन टाइगर तो बनाना ही बनाना है, लेकिन उनकी नज़र अब एशियन टाइगर पर नहीं है। उनकी नज़र आप जिस तरह गौतम अडानी की बात करें, वो दूसरे नंबर पे दुनिया में बन गया है, दूसरे नंबर पे दुनिया में आ गया है, इंडियन दूसरे नंबर पे अमीर तरीन है, बन गए हैं आप, लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन वो मुकेश अंबानी टाटा है ही नहीं अभी बीच में, लेकिन वो अंबानी अभी भी टॉप 10 में है, 8वें नंबर पे है, लेकिन गौतम अडानी का दूसरे नंबर पे आना यही मेरे ख्याल में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सबसे बड़ी जो है ना ये बर्थडे का तोहफा उसके लिए यही है कि दूसरे नंबर पे उनकी कंट्री का बंदा आ गया, ये अभी यही बर्थडे उसके लिए, यही गिफ्ट है उसके लिए, गौतम अडानी का दुनिया के दूसरे बिलियनियर बनने का जो है ना ये उसका एक बेहतरीन तोहफा है, यानी कि सबसे बड़ा अगर उसको कोई तोहफा मिला है तो वो गौतम अडानी की तरफ से मिला है।